तराना में 13 क्विंटल 76 किलो गांजा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1,65,00,000 रुपए की बताई जा रही है, जिसको नारकोटिक्स विभाग इंदौर व तराना पुलिस द्वारा जब्त किया गया और साथ ही दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था और साथ ही में पुलिस द्वारा दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार गांजा आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश के तराना लाया जा रहा था, जिसे तराना से 5 किलोमीटर दूर गुर्जर खेड़ा में पकड़ा गया और पुलिस व नारकोटिक्स विभाग में संयुक्त कार्यवाही करते हुए तराना के दो आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। वहीं उन्होंने बताया है कि गांजा मुर्गियों के दाने के बीच में दबा कर लाया जा रहा था। साथ ही पुलिस ने बताया है कि तराना के और कई लोगों की भी इसमें संलिप्तता की शंका है, जहां पर नारकोटिक्स व पुलिस की जानकारी के अनुसार आगे तराना की ओर से भी गांजा व्यापारियों के नाम सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।